रिसाली के करियर पॉइंट इंस्टीट्यूट ने स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रिसाली में निःशुल्क करियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने भाग लेकर ये जाना कि वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने करियर को सुदृढ़ बनाने के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। करियर पॉइंट रिसाली ने ठाना है कि अब छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों के बच्चे भी अपनी पढ़ाई करते करते अपने करियर की तरफ भी ध्यान देते हुए शिक्षा ग्रहण करें। इसके लिए करियर पॉइंट रिसाली ने रिसाली के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में एक निशुल्क सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में बच्चों को बताया गया कि स्कूल में पढ़ते पढ़ते ओलंपियाड परीक्षा देकर स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं और अपने पढ़ाई का खर्च खुद उठा सकते हैं। साथ ही पढ़ाई करते करते जिस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उसकी भी पढ़ाई की जा सकती है, और बहुत ही आसान तरीकों से इन सब बातों को बच्चों को समझाया गया। इस सेमिनार में उपस्थित बच्चों ने ध्यान पूर्वक सारी बातें सुनी और अब अपना मन बना लिया है कि वह अपना कैरियर भी बनाना शुरू कर देंगे। अब तक ऐसे सेमिनार सिर्फ निजी स्कूलों में आयोजित किए जाते थे, जिसके लिए विद्यार्थियों को फीस भी अदा करनी पड़ती थी और ऐसे सेमिनारों से सरकारी स्कूल के बच्चे वंचित हो जाते थे। परंतु करियर पॉइंट रिसाली की पहल से अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी बेहतर मार्गदर्शन पाकर अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं, और करियर पॉइंट के संचालकों ने भी निःशुल्क लगाए गए सेमिनार का उद्देश्य बताया और कहा कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी उनके मार्गदर्शन का लाभ उठाकर अपना भविष्य संवार सकते हैं। सर, मेरा नाम ऋषि गुरबख्शानी है और मैं करियर पॉइंट कोटा जो 30 साल से इस लाइन में है, एजुकेशन लाइन में 30 साल से इस लाइन में है, यहाँ पर हम पहली बार खोल रहे हैं भिलाई में। आज हमने जो सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया है, निःशुल्क सेमिनार करवाया है एक गवर्नमेंट स्वामी सत्यानंद स्कूल में, हम बच्चों में अवेयरनेस डालना चाहते हैं कि वो आगे चल के किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और कैसे पार्ट ले सकते हैं। आज का सेमिनार का सब्जेक्ट है ओलंपियाड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में समझाना बच्चों को, जो आजकल इनको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। सर, हम आज बेसिक्स उनको नॉलेज देने आए थे, अब अगली बार फिर से हम एक निःशुल्क सेमिनार करेंगे जिसमें एक एक पार्ट के बारे में हम उनको सेमिनार देंगे। सर, ये बच्चे 8 क्लास से ओलंपियाड में भाग ले सकते हैं, इनके फॉर्म्स आते हैं और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस है रिसाली में प्रगति नगर में, हम आपको उसमें मदद कर सकते हैं बच्चों। सर, मेरा नाम कासिफ खान है और मैं कैरियर पॉइंट कोटा भिलाई ब्रांच में फिजिक्स फैकल्टी हूँ और आप हमारे डायरेक्टर सर हैं। आज हम लोगों ने निःशुल्क एक सेमिनार कंडक्ट किया है रिसाली आत्मानंद स्कूल में, और जिसका टॉपिक था कि बच्चों को एक अवेयरनेस, बच्चों के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना जिसमें उनको ये मालूम चले कि ओलंपियाड्स एग्ज़ाम और स्कूल एग्ज़ाम के बीच में तालमेल कैसे बैठाया जा सकता है, कैसे इन दोनों के बीच में तालमेल बैठाकर आप आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। सर, इसमें क्या होता है कि दो तरीके से आप एग्ज़ाम इसमें बात कर सकते हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जिसमें कुछ बॉडीज़ हैं जैसे कि तरीके से आपका NTSC और KVPY एग्ज़ाम जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और कुछ इसमें नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्ज़ाम इस तरीके के कंडक्ट करती हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम से अगर मैं छत्तीसगढ़ भिलाई की बात करूं तो यहां हम लोगों के पास में SOF एक बॉडी है जो कि इस तरीके के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। पहला जैसे आप देखेंगे नेशनल साइंस ओलंपियाड, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड, इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड, इंटरनेशनल साइबर ओलंपियाड, तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्स और प्रिपरेशन की जाती है जिससे बच्चे अगर आज से स्टार्ट कर देते हैं तो आगे अगर वो UPSC करना चाहें, CGPSC करना चाहें, रेलवे में जाना चाहें, बैंकिंग में जाना चाहें, किसी भी सेक्टर में जाना चाहें, उसमें इनको यहाँ पर हेल्प होगी। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मेन पार्ट क्या है सर, एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने से इनका आत्मनिर्भर जो है वो बहुत काफ़ी बढ़ जाएगा। दूसरा जो है इनके पास में रीजनिंग वाला जो पार्ट है, इनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसमें काफ़ी इनका जो स्तर जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से लेकर हमने आज गवर्नमेंट स्कूल से शुरुआत की है और हमारी कोशिश रहेगी, डायरेक्टर सर का अगर हमारे साथ में साथ रहा तो हम लोग यही चाहेंगे कि इसको हम पूरे भिलाई के जो स्कूल है वहाँ पर निःशुल्क तरीके से इस तरीके के हम अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करें। सेमिनार में उपस्थित बच्चों ने सेमिनार से मिले मार्गदर्शन को बेहतर बताया और उस पर अमल करके अपने उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ने की बातें कही। मेरा नाम पंकज साहू है, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ, मैं वाणिज्य विषय लेकर के पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं हिंदी माध्यम से हूँ। सेमिनार जो है बहुत अच्छा लगा मेरे को, इसमें जो मेन चीज़ बताया गया टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया गया, आप समय को कैसे प्रबंधित कर सकते हो अच्छे से और एक के साथ साथ बाकी कामों को कैसे निपटा सकते हो, उसको भी कैसे मैनेज कर सकते हो बताया गया इसमें, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वैसे तो मैं पॉलिटिक्स वगैरह में जाना चाहता था लेकिन इस स्कूल में आर्ट्स नहीं था और मुझे यही स्कूल चाहिए था, इस कारण मैं कॉमर्स लेकर पढ़ाई कर रहा हूँ और बाकी आगे देखेंगे। नमस्ते सर, मेरा नाम मोनिका बघेल है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ, मैंने जीव विज्ञान विषय का चयन किया है।
सर ओलंपियाड एग्ज़ाम के बारे में सुना था बट जानकारी यहाँ प्राप्त हुई है मेरे को, और जो सर ने बताया वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, मेरे को काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझ आई है। सर ने करियर के बारे में बताया था, ये करियर काउंसलिंग था तो काफ़ी चीज़ें समझ आई है मेरे को, ये काफ़ी अच्छा लगा करियर काउंसलिंग। हाँ बिल्कुल, बस टाइम मैनेजमेंट समय प्रबंधन की ज़रूरत है, मतलब कि हर चीज़ को अच्छे से समय के साथ करने की ज़रूरत है, बाकी सब अच्छे से हो जाएगा। हाँ सर लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और जो भी उन्होंने बोला मेरे को काफ़ी अच्छे से समझ आया, तो मैं उनको बहुत मतलब कि उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। माई नेम इज़ मानसी साहू, आई स्टडी इन क्लास 11th बायोलॉजी। सर सेमिनार से मतलब कौन कौन से स्ट्रीम में हो, कौन से फील्ड में हो, आगे करियर में क्या करना है, जैसे कि बायोलॉजी लियो तो MBBS या फिर MBD या बी फार्मा, मतलब वो फील्ड के बारे में बताया गया, और जैसे कॉमर्स लियो तो CA वगैरह, मैथ्स लिए हो तो IIT JEE, ये सब एग्ज़ाम क्लियर करके मतलब आगे बढ़ने के लिए। और साथ ही साथ जैसे कि हम लोग स्कूल में 11th का तैयारी कर रहे हैं, 11th का एग्ज़ाम दिलाते हैं, तो सिर्फ वही नहीं दिलाना है, साथ में जैसे कि ओलंपियाड हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, वो सर हम लोग को कॉन्फिडेंटली मतलब बता के गए कि कैसे हम एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। टाइम एक ही है, एक साल है, लेकिन दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई करके हम अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। मेरा नाम वेदभूषण तांडी है। ये आज सेमिनार में मुझे ओलंपियाड के बारे में पता चला, जिसके मदद से मैं अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकता हूँ। जी निकिता जोशी। सर इसमें मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखा कि सर ने कैसे कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, और सर ने हमें ये भी बताया कि आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर देंगे तो आपको बाद में बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आप अचीव कर पाएंगे। जी पॉसिबल है, आप अभी से तैयार करेंगे तो आराम से उस टाइम पे आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और आप आसानी से उस टाइम बहुत ही अच्छे से उसको अचीव कर पाएंगे। मतलब ओलंपियाड एग्जाम मतलब उसमें मतलब हम लोग का इंटरेस्ट वगैरह रहना चाहिए और मतलब वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, मतलब मतलब नॉलेज वगैरह मिलता है और मतलब जैसे कि हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं ना साल भर, उसमें मतलब हम लोग को मतलब अपना प्रैक्टिस सारा लगाते हैं और करियर पॉइंट रिसाली ने जो बीड़ा उठाया है वह इतना आसान दिखाई नहीं देता, परंतु यहाँ करियर पॉइंट की सराहना करनी होगी कि उन्होंने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिससे अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी अपना बेहतर भविष्य चुन सकेंगे और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन में अपना भविष्य सुनिश्चित कर पाएंगे। ACN न्यूज के लिए रिसाली से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।